हो। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, अगर आप भी एक एंड्रॉइड सेलफोन यूज करते हो, अगर आप भी किसी चैटिंग करते हो, मैसेज करते हो या किसी को कुछ मैसेज भेजते हो और आपने प्रॉब्लम देखा होगा, जब भी आपने कीबोर्ड को ओपन करते हो आपको इस तरह का हैंड राइट हियर का ऑप्शन आता है, आपको कीबोर्ड शो नहीं करता, आपको हैंड राइटिंग बोर्ड का ऑप्शन शो करता है। आप इसको किस तरह ठीक कर सकते हो चुटकियों में बताऊंगा, आप सिर्फ 1 मिनट के अंदर इसको ठीक कर सकते हो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, इस तरह लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। सबसे पहले ठीक करने के लिए सबसे पहले आपको आ जाना आपके सेलफोन के होम स्क्रीन पे। होम स्क्रीन पे आते ही आपको इस तरह इंटरफेस दिखेगा, आपको सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करना है। सेटिंग के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको इसको स्क्रॉल अप कर देना है। स्क्रॉल अप करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा जिसको कहते हैं सिस्टम मैनेजमेंट। सिस्टम मैनेजमेंट में क्लिक कर देता हूँ, जिसके बाद आपको यहाँ स्क्रॉल अप करना है। आपको एक ऑप्शन दिख जाए, आपको लैंग्वेज इनपुट या आपको कीबोर्ड कीबोर्ड का ऑप्शन दिखेगा, आपको दोनों में से कोई भी लैंग्वेज कोई भी सेटिंग पे क्लिक कर देना है। मैं क्लिक करता हूँ लैंग्वेज और इनपुट के सेटिंग पे, इसको स्क्रॉल अप कर देना है। और स्क्रॉल अप करने आपको यहाँ बहुत सारे सेटिंग दिख जाएंगे। अभी आपको सिंपली सर्च कर लेना है आपको जीबोर्ड का सेटिंग कहाँ दिखता है, यहाँ जीबोर्ड आपको सर्च कर लेना है। जीबोर्ड सर्च करने के बाद आपको यहाँ और भी सेटिंग दी जाएंगे, आपको किसी पे क्लिक नहीं करना, आपको खाली फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करना है जहाँ आपको दिखेगा लैंग्वेज। लैंग्वेज में यहाँ बहुत सारे लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, जितने भी लैंग्वेज होते हैं आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। और इस लैंग्वेज सेलेक्शन में ही आपसे गलती हो जाती है, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम देखने मिलता है। अब यहाँ आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ आपको इंग्लिश हैंड राइटिंग ऑप्शन दिख रहा है, आपको यहाँ इंग्लिश हैंड राइटिंग ऑप्शन दिख रहा है और आपने यहाँ क्विट क्यूवर्टी के जगह पे हैंड राइटिंग भी क्लिक कर लिया है। आपको इसको क्लिक नहीं करना, अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको हैंड राइटिंग का ऑप्शन दिखेगा, आपको यहाँ डन करना है और बैक चले जाना है। अभी आप यहाँ जाओगे कीबोर्ड के ऑप्शन पे टाइपिंग तो आप यहाँ देखोगे आपको यहाँ कीबोर्ड का ऑप्शन शो करने लगा है। इस तरीके से अगर आपको कुछ एरर आता है, कीबोर्ड का ऑप्शन आता है, आप उसको क्लियर कर सकते हो बड़े ही आसानी से। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस तरह की नई जानकारी के साथ।